देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत में लोकसभा चुनाव से कर रहा हूँ। जी हाँ, साल 2024 का लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां रणनीतियां बना रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर जो मेरे पास सामने आई है वो यह है कि वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है एक बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़े दिग्गज नेता द्वारा। जी हाँ, आपको बता दूं कि विपक्षी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने यह दावा किया है कि वो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे और चुनाव में हराने के लिए बकायदा अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी अब टक्कर जो है वो लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को दी जा रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो दिग्गज नेता कौन है और वो एक राज्य की मुख्यमंत्री भी हैं। जी हाँ, वो एक राज्य की मुख्यमंत्री भी हैं और वो महिला मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी को जो चुनौती उन्होंने दी है, इसका साफ मतलब ये है कि वो पीएम मोदी के खिलाफ अब चुनावी जो बड़े मैदान है वहां पर उतरने वाली है और पीएम मोदी को सीधी टक्कर देकर वो ये बताना चाहती है कि वो अपने राज्य की एक महिला मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो जो पीएम मोदी के खिलाफ भी चुनाव में उतर सकती हैं और उनको टक्कर दे सकती हैं। तो चलिए, जैसा कि बहुत सारे दर्शक ये जानने के लिए बेसब्र भी हो रहे होंगे कि आखिरकार कौन सी है वो महिला मुख्यमंत्री और किन्होंने जो है पीएम मोदी के खिलाफ बिगुल फूकने का काम किया है, तो दरअसल मैं आपको बता दूं, वो महिला मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि साल 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें वो पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी और चुनाव ना सिर्फ लड़ेंगी बल्कि पीएम मोदी को हराकर भी रहेंगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती ममता बनर्जी की तरफ से दी गई है और क्या ममता बनर्जी की ये चुनौती ममता बनर्जी के लिए फायदेमंद साबित होगी या फिर ममता बनर्जी का हाल अरविंद केजरीवाल जैसा हो जाएगा। आपको याद भी होगा, अगर मेरे बहुत सारे दर्शक हैं उन्हें याद नहीं होगा तो मैं उनको जानकारी यहां पर दे देता हूं कि दरअसल लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो उस समय देखने को क्या मिला था कि अरविंद केजरीवाल ने भी, जी हाँ, पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की जो बात कही थी और वहां पर वो जो लोकसभा चुनाव थी वहां पे उनकी सीट जो है वो जब्त हो गई थी। तो ऐसे में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के बाद अब ममता बनर्जी का ये ऐलान कि वो पूरी तरह से ममता पीएम मोदी को चुनौती देंगी। और आपको बता दूं, बंगाल चुनाव भी बहुत ज़्यादा अहमियत रख रहा है और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं बात करूँ तो बंगाल चुनाव में टीएमसी जिस तरह से बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, इसका साफ मतलब ये है कि ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। चलिए रिपोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं रिपोर्ट्स के जरिए देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ममता बनर्जी ने खुले तौर पर अब बिगुल फूंक दिया है मोदी के खिलाफ और पीएम मोदी के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतर रही है। यानी कि अब बंगाल से अलग हटते हुए वो जो है जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में भी जुट चुकी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए देखिए, जैसा कि आपको बता दूं, दूसरे चरण की जो वोटिंग थी बीते दिनों हो गई और बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप में तल्खी बढ़ गई है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान दावा किया था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हार रही है। इसके बाद टीएमसी ने पलटवार किया। तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जो अधिकारी हैं, आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में देखिए क्या कहा जा रहा है। बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी दी जा रही है कि ममता बनर्जी जो लोकसभा चुनाव है उसमें पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी और वो ये दिखा देंगी कि वो ममता बनर्जी जो है वो पीएम मोदी से बिल्कुल भी डरती नहीं है। लोकसभा जो चुनाव है 2024 में वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी और प्रधानमंत्री मोदी को साफ तौर पर चुनौती देंगी। बीते दिनों टीएमसी की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया है और दीदी नंदीग्राम जीत रही है, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन का अंत हो चुका है, अपने झूठ से लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें, 2024 में सुरक्षित सीट तलाश करें। ये ट्वीट किया गया है टीएमसी की तरफ से और टीएमसी की तरफ से जो ट्वीट किया गया इसे पढ़कर मैं बता रहा था
तो सबसे बड़ी बात है कि अब ममता बनर्जी खुले तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ उतर आई है, यानी कि जो बंगाल चुनाव है वो ममता बनर्जी बनाम पीएम मोदी तो बन ही चुका है, लेकिन अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी के हौसले को मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह से बंगाल के अंदर पूरी तरह से डटी हुई है और जिस तरह से बंगाल के अंदर जो टीएमसी है वो खुलकर जो है बीजेपी के खिलाफ खड़ी है और टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर भी आ रही है। ऐसे में नंदीग्राम सीट की हम बात करें तो नंदीग्राम जो सीट था वो देखिए चुनाव से बहुत पहले ही चर्चाओं में रहा था, क्योंकि नंदीग्राम सीट जो है वो ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों के लिए बहुत ज्यादा अहम रखता था। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से देखने को ये मिला कि साफ तौर पर जो ममता बनर्जी है उन्होंने नंदीग्राम सीट पर अपने चुनाव जीतने की बात कही, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी इस वक्त पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है। ममता बनर्जी को ये बात ऐसा लग रहा है कि ये बात पता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव भी वो जीतेंगे और वाराणसी की जो लोकसभा सीट है वहां से भी मोदी के खिलाफ वो चुनाव में उतरेंगी और वहां पर ये बता देंगे कि किस तरह से ममता बनर्जी केवल बंगाल तक सीमित नहीं है और वो बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से टक्कर ले सकती है। वैसे अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी को कम आंकना बहुत ज्यादा गलत होगा। हालांकि अगर बात करें तो जब अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था वो उस वक्त हार गए थे, लेकिन उनके हारने की वजह ये थी कि अरविंद केजरीवाल की ना तो उतनी बड़ी लोकप्रियता थी ना ही उनका कोई जो ज्यादा बैकग्राउंड था राजनीतिक बैकग्राउंड। लेकिन ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है, ममता बनर्जी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि किस तरह से राजनीति करनी है और किस रणनीति के तहत काम करना है। बंगाल में प्रशांत किशोर की रणनीति के अनुसार ममता बनर्जी काम करती हुई नजर आ रही है और अगर बात की जाए तो नंदीग्राम सीट जीतने को लेकर ममता बनर्जी ने जो दावा किया था वो दावा साफ तौर पर ये बताता है कि वाकई में ममता बनर्जी ने जो बात कही है चुनाव जीतने की नंदीग्राम सीट से भी और बंगाल चुनाव जीतने की, तो इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी बंगाल में भी टीएमसी को जीत दिलवाएंगे और उसके साथ साथ पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में भी वो उतरेंगी और वहां पर पीएम मोदी को हराएंगे। अब की बार वैसे बात करूँ तो जनता मोदी सरकार से देखिए बहुत ज्यादा नाराज भी बताई जा रही है और जनता जिस तरह से आज मोदी सरकार के खिलाफ है और जनता मोदी सरकार से जो नाराजगी है बहुत सारे मुद्दों पर, तो ये सारी चीजें बताती है कि वाकई में किस तरह से जो माहौल है अब वो बदलता हुआ नजर आता। देखिए एक समय वो था जब मोदी लहर चला करती थी और पूरे बात की जाए तो देश में मोदी मोदी के नारे लगते थे, लेकिन आज स्थितियां अलग है। आज क्या स्थिति बन रही है? आज स्थिति है कि जो देश की जनता केवल जुमलेबाज पर ध्यान नहीं दे रही। चुनावी वायदे बहुत हो गए लेकिन विकास की बात कब होगी, रोजगार की बात कब होगी, किसानों की बात कब होगी, महिला सुरक्षा की बात कब होगी, ऐसे तमाम सारे जो मुद्दे हैं आज लोग पूछना चाहते हैं लेकिन सरकार ने उनकी आवाज को दबा दिया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, जैसा कि देखने को भी मिला था कि बीते कुछ दिनों पहले हैशटैग मोदी रोजगार जो है वो चल रहा था, उसके बाद बीते दिनों पहले हैशटैग जो मोदी वो जो चली थी सोशल मीडिया पर जो खबर देखने को मिला था, बहुत सारे तरीके से अगर हम बात करें तो इस वक्त जनता को जिस तरह से सरकार के द्वारा दबाया जा रहा, तो जनता अब सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे इनका सहारा लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आज जनता भी सरकार को ज्यादा पसंद नहीं कर रही है, आज जनता भी सरकार के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दूं ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से जो ये ट्वीट किया गया इसका साफ मतलब ये है कि टीएमसी जो है अब वो बीजेपी को छोड़ने की मूड में नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव मोदी वर्सेस ममता बनर्जी वर्सेस मोदी तो हो ही चुका है, लेकिन अगर देखा जाए बंगाल चुनाव टीएमसी जीत जाती है और बंगाल चुनाव में एक बार फिर से ममता बनर्जी की जीत होती है तो इसका साफ मतलब ये होगा कि बंगाल में ममता बनर्जी का जादू चल गया और जो बीजेपी है उन्होंने अपनी पूरी ताकत तो लगाई लेकिन फिर भी चुनाव वो हार गए। तो ऐसे में अब नतीजों का इंतजार है, दो चरणों के जो मतदान है वो हो चुके हैं और नतीजे अब आने वाले समय में तय करेंगे कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर स्थितियों की मैं यहाँ पर बात करूँ
तो जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि फिलहाल बंगाल में टीएमसी का बोलबाला ज्यादा दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी का ऐलान ये बताता है कि वाकई में ममता बनर्जी ने जो बात कही और टीएमसी की तरफ से जो आधिकारिक ट्वीट किया गया है ये कहीं ना कहीं बताता है कि अब पीएम मोदी से सीधी टक्कर लेने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। और टीएमसी इस पूरी कोशिश में है कि ममता बनर्जी जो है उनके खिलाफ, ममता बनर्जी जो है वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े और ये बताएं देश की जनता को कि महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ वो किस तरह से एक जो है एक बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी महिला है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टक्कर देती हुई नजर भी आ रही है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।